एनएमसी बिल कैबिनेट में पास हो चुका है और अगर ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया तो लॉ बन जाएगा। लेकिन क्या है ये बिल, क्या है इस बिल के फायदे नुकसान, चलिए आज बात करते हैं इस बिल पर। जो भी एमबीबीएस करना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फॉरेन कंट्रीज से, उनके आगे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके बाद फ्यूचर होगा कि नहीं, क्योंकि इस बिल से बहुत से बदलाव आ सकते हैं। पहले 3 एग्जाम से एमबीबीएस में एडमिशन लिया जा सकता था, यानी एम्स, जिपमर, नीट, लेकिन एनएमसी के नए प्रोविजन की वजह से एम्स, जिपमर अलग अलग एग्जाम्स नहीं लेंगे, यानी अब एक ही एग्जाम होगा, नीट। अब सवाल आता है कि डिफिकल्टी लेवल कितना होगा एग्जाम का, क्योंकि एम्स का पेपर टफ होता है नीट के मुकाबले। हो सकता है इस साल अभी चेंजेस ना हो, क्योंकि अभी तो बिल पास होगा और अभी काफी लंबा प्रोसेस चलेगा, और एम्स जिपमर भी इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट के तहत एम्स जिपमर एग्जाम्स की सेपरेट ऑटोनोमस बॉडीज हैं। हाँ, लेकिन आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि अगर बाद में कोई चेंजेस हो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। अगर आपने फॉरेन या इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो इस एनएमसी का प्रभाव क्या पड़ेगा वो जान लीजिए। फॉरेन से पढ़कर आए हुए लोगों को इंडिया में एमसीआई का स्क्रीन टेस्ट क्लियर करना पड़ता था ताकि उनको लाइसेंस मिल सके, और वहीं इंडिया से पढ़े हुए लोगों को ऐसे कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब नया टेस्ट आ सकता है, एग्जिट टेस्ट, यानी अब एमबीबीएस के थर्ड ईयर में एग्जिट टेस्ट होगा। इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं और वो क्या हैं वो भी जान लीजिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद लाइसेंस मिलेगा। पहले नीट पीजी होता था और अब वो नेस्ट, यानी नेस्ट के एग्जिट टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही पीजी में एडमिशन मिलेगा। फॉरेन से पढ़कर आए हुए लोगों को अब अलग से कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, वैसे ही बाहर के देशों से पढ़कर आए हुए बच्चे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाँ, लेकिन चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूट का, सबको क्लियर करना पड़ेगा ये टेस्ट। लेकिन अब ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिक्कत आ सकती है, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो पैसा भी वेस्ट होगा और 5 साल भी। फॉरेन से आए हुए बच्चों के पास कम से कम बाहर के देश का लाइसेंस तो होगा, लेकिन इंडिया वालों के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव होने से प्रैक्टिकल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और सब्जेक्टिव पेपर से बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, लक फैक्टर भी आ सकता है, और यूनिफॉर्मिटी के चलते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। लेकिन जो भी होगा सबके लिए एक जैसे ही होगा, इसलिए अभी आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो भी चेंजेस आएंगे वो पता चल जाएंगे, लेकिन तब तक टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट, और ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।